हाय गाइस, मैं हूं संजय और उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतरीन होंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वीडियो का, वो है फायर फाइटिंग रिलेटेड। तो काफी फ्रेंड्स ने मुझे पूछा है फायर फाइटिंग में कुछ इश्यूज उन लोग फेस कर रहा है, जैसे कि मान लो फायर फाइटिंग का स्प्रिंकलर टाइप कितना होना चाहिए और कैसे उसका इंस्टॉलेशन डिटेल होना चाहिए। तो पहले मैं बता दूँ, एक मेरा फ्रेंड है वो खान सर है, तो वो कॉमेंट्स कर रहा है जो यहाँ पे सर कैन वी यूज सीलिंग इन प्रोडक्शन एरिया। तो पहला क्वेश्चन यही था, दूसरे प्रोडक्शन एरिया में सीलिंग होता है कि नहीं होता है। मेरा आंसर वही होगा, जो मैक्सिमम केस है वहाँ पे सीलिंग होता नहीं प्रोडक्शन जो एरिया है। मान लो प्रोडक्शन एरिया, जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया और बेसमेंट, जहाँ पे सीलिंग मैंने कभी आज तक नहीं देखा। अगर कोई स्पेशल केस में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं बनाया। तो और सेकेंड क्वेश्चन है जो बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन एरिया हैव ए लॉट ऑफ स्प्रिंकलर, ओके होना चाहिए स्प्रिंकलर। यहाँ पे सर ने कुछ फाइल बनाया है, तो एक प्रोजेक्ट फाइल नहीं है लेकिन एक प्रैक्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट टाइप का फाइल है। वहाँ पे उन्होंने कुछ स्प्रिंकलर लोकेशन दिखा है, उसके हिसाब से हम मॉडल करेंगे और वहाँ पे बताएंगे स्प्रिंकलर जो कैसे इंस्टॉल होता है और उसको कैसे मॉडलिंग करना होता है। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करूँगा, आपको कुछ डिटेल दिखाता हूँ जहाँ पे स्प्रिंकलर कैसे इंस्टॉल होता है, जो 2D में एक करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो फायर फाइटिंग का जो सपोर्ट डिटेल है, बाकी जो छोटा छोटा जो फायर होस कैबिनेट का डिटेल है और ZCB कनेक्शन है और आखिर में आता है स्प्रिंकलर टाइप। ठीक है ना, और आपको पहले बता दूं जो फायर का जो स्प्रिंकलर है वो चार तरीके से हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये अपराइट स्प्रिंकलर है, तो अपराइट स्प्रिंकलर में कुछ भी नहीं है, एक मेन पाइप होगा तो उसका साइज कुछ भी हो सकता है, वो 65 से 150 और 200 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में जो है ना, पाइप के ऊपर एक मैकेनिकल ट्री रहेगा, तो और मैकेनिकल ट्री के बाद ब्रांच लग के यहाँ पे ब्रांच के ऊपर एक स्प्रिंकलर लगा जाएगा और स्प्रिंकलर लगा देगा, तो उसको हम बोलेंगे अपराइट स्प्रिंकलर। तो उसका जो स्प्रिंकलर होगा ऊपर के मुंह करके रखेगा, और जो सेकेंड होगा वो होगा पेंडेंट स्प्रिंकलर। तो पेंडेंट स्प्रिंकलर कहाँ पे होगा, जहाँ पे सीलिंग अवेलेबल है, तो उस केस में एक मेन पाइप होगा, मेन पाइप के ऊपर एक ब्रांच पाइप अप होके फिर यहाँ पे सीलिंग में डाउन होके एक कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पेंडेंट स्प्रिंकलर कहाँ पे होगा, जहाँ पे सीलिंग होगा। ठीक है ना, और ये सीलिंग और स्लैब के बीच में जो वॉइड एरिया होगा, जहाँ पे हमारे मैकेनिकल सर्विस रन करेगा, तो उसी जगह के अंदर आपको ये पाइप स्प्रिंकलर जो भी है यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। थर्ड केस में जहाँ पे क्या कौन सा होगा, यहाँ पे अपराइट पेंडेंट दोनों टाइप का स्प्रिंकलर जहाँ पे एक साथ होता है, तो ये केस कहाँ पे होना चाहिए। नॉर्मली ये जो केस है, जैसे मान लो सीलिंग का जो टॉप और स्लैब का जो बॉटम है, दोनों का बीच में स्पेस है ये 900 mm से ज्यादा होगा, तो उस केस में आपको ना दोनों स्प्रिंकलर आपको लगाना पड़ेगा। एक मान लो एक पाइप यहाँ से कोई मेन पाइप से आ रहा है, तो वहाँ पे एक अपराइट स्प्रिंकलर दिखाना पड़ेगा, उसके साइड में एक ब्रांच बना के यहाँ पे एक पेंडेंट स्प्रिंकलर आपको लगाना पड़ेगा जो सीलिंग में कनेक्ट होकर रहेगा। तो चौथा मैं आता हूँ साइड वॉल स्प्रिंकलर। तो साइड वॉल स्प्रिंकलर कहाँ पे यूज होता है, नॉर्मली जहाँ पे सीलिंग और स्लैब के बीच में जो जगह बहुत कम है, और हो सकता है स्पेशल केस, जैसे कि मान लो ये वाला जगह स्टेयर है और ये वाला जो रूम है, हो सकता है रूम से ये रूम कभी कभी इसको कॉरिडोर बोल सकते हैं, कॉरिडोर से जब स्टेयर के अंदर स्ट्रक्चर वाला आई वाल होगा, तो वहां से जब बाहर पाइप जो स्टेयर में जब जो जाएगा, तो उस केस में जो स्प्रिंकलर होगा वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है ना साइड वॉल स्प्रिंकलर लगाता है। और ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मान लो यहाँ पे एक रूम है, रूम में भी लगता है, रूम में क्या होगा, जब अगर मान लो यहाँ पे सीलिंग तो नहीं दिखा है, अगर इनकेस यहाँ पे सीलिंग होगा लेकिन सीलिंग और स्लैब के बीच में जो है ना जगह बहुत कम है, मान लो 100 से भी ज़्यादा कम जगह होगा, तो वहाँ पे जो पाइप टर्निंग करने के बाद जो पाइप एल्बो, फिर यहाँ पे ट्रांजिशन, फिर यहाँ पे स्प्रिंकलर, ये तीन जो एलिमेंट लगाने के लिए आपको काफ़ी जगह चाहिए होगा, तो वो अगर जगह यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा तो उस केस में आपको साइड वॉल स्प्रिंकलर लगाना पड़ेगा। तो ये चौथा जो टाइप का जो डिटेल कनेक्शन मैंने बताया, तो ये है साइड वॉल स्प्रिंकलर कनेक्शन। तो यहाँ पे चार टाइप का जो कनेक्शन मैंने डिटेल यहाँ पे बता दिया। तो इसका जो कैड वाला ड्राइंग है, PDF जो भी होगा, मैं आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे वीडियो में भी आपको दिख जाएगा। तो इतना जो कनेक्शन मैंने आपको बता दिया, अभी क्या करता हूँ, जो खान सर का रिक्वेस्ट है, जो उन्होंने कैड फाइल भेजा है, उसके ऊपर मैं कुछ मॉडल करके बताऊँ सैंपल, तो उनको थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, अब जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में कुछ फाइल भेजा है, जैसे कि रेविट फाइल है और कैड फाइल है, दोनों को मैंने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके मेरा PC में उसको रख दिया। अब मैं देखाऊंगा मुझे PC में मेरे फोल्डर में जहाँ पे मैंने उनका जो रेविट फाइल ये वाला डाउनलोड कर लिया और ये वाला जो है ना फायर फाइटिंग का जो उन्होंने जो 2D कैड वाला भेजा है, ये वाला यहाँ पे देख रहा है प्लान व्यू, तो ये इसको मैं खोल के अभी ऑलरेडी रखा हुआ है, इसको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे काफ़ी जो सर्विसेज उन्होंने बनाया है, ये कोई प्रोजेक्ट फाइल नहीं है, यहाँ पे जो है उनका जो एक्सपीरियंस है और जो भी चीज़ है वो अभी उन्होंने शेयर किया है, अभी वही फाइल को मैं यहाँ पर लगाऊंगा। यहाँ पे बाकी सर्विस जो बाकी अलग अलग सर्विस का है मुझे नहीं चाहिए, अभी मुझे फायर फाइटिंग का चाहिए, तो उनको फायर फाइटिंग का मॉडल करके थोड़ा बताता हूँ, तो उनको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगा, ये जो प्लान है इसके साथ जो है ना मेरे को वो रेविट भी दिया है,
तो ये रिबिट यहाँ पे है। रिबिट में क्या करूँगा, यहाँ पर पहले मैं फाइल को, रिबिट का जो फाइल है वो मैं खोल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। इसका जो बाद में कॉपी कर लूँ और मैं रिबिट में चला जाऊँगा, मैं रिबिट खोल लूँगा, ठीक है ना। और रिबिट मेरे पास ऑलरेडी खुला हुआ है यहाँ पर 19, इसको कंट्रोल ओ करके यहाँ पे उनका जो ये फाइल है इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ओपन करता हूँ। और हो सकता है 2019 में होगा, तो उम्मीद करता हूँ फाइल से खुल जाए, ये खुल जाएगा, ठीक है ना। और ये खुल गया, ठीक है ना। अभी ये जो फाइल खुला हुआ है, अभी इसमें देखो मुझे आर्किटेक्चर ही देख रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने फाइल का तो नाम तो फ्लेमिंग फाइटिंग रखा है, लेकिन ये जो फाइल है, ये जो मॉडल है, ये आर्किटेक्चर का मॉडल है। तो हम क्या करेंगे, जो आर्किटेक्चर के फाइल के ऊपर फायर फाइटिंग का मॉडल कर नहीं सकते, तो इसीलिए क्या करूंगा, जो इनका जो फायर फाइटिंग जो मॉडल उन्होंने भेजा है, ये आर्किटेक्चर इसको बोलेंगे हम अभी, तो ये वाला फाइल को लिंक करेंगे कहाँ पे, जो मेरा फायर फाइटिंग एक नया फाइल बनेगा प्रोजेक्ट का, तो वहाँ पे मैं इसको लिंक कर लूंगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं पहले आपको दिखा दिया, इसको मैं काट देता हूँ। काट देने के बाद मैं यहाँ पे नया फाइल बनाऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे दो ऑलरेडी फाइल खुला है, एक पहले वाला प्रोजेक्ट का है और मतलब एक प्रैक्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट वाला, अब जो दूसरा है ये वाला मेरा टावर वाला, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, एक नया फाइल खोलूंगा, फाइल के अंदर न्यू और यहाँ पे प्रोजेक्ट खोलूंगा, ठीक है ना। अभी सर खान सर का एक क्वेश्चन था, जो प्लानिंग फाइल जो मान लो फायर फाइटिंग का जो मॉडल शुरू करने से पहले मैं कौन सा टेम्पलेट लूँ, तो वो पूछा है जो मेरा ये टावर वाला मॉडल है यहाँ पे, तो मैं फायर फाइटिंग ड्रेनेज सब कुछ दिखा रहा हूँ, तो इस केस में क्यों मैं मैकेनिकल टेम्पलेट फाइल खोल के उसके ऊपर फाइल फायर फाइटिंग का मॉडल कर रहा हूँ। मेरा जो आंसर यही होगा, जो मेरा जो एमएपी में जो मॉडल है यहाँ पे, मैं फायर फाइटिंग तो सर्विस बना दिया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है जो फायर फाइटिंग जो मैकेनिकल फाइल के अंदर बना है, आप हो सकते हैं प्लम्बिंग वाला टेम्पलेट लेके भी उसके अंदर फायर फाइटिंग का मॉडल कर सकते हैं। तो क्योंकि जो फायर फाइटिंग पाइपिंग सर्विस है, तो प्लम्बिंग ही बेहतर होगा, क्योंकि जो मैकेनिकल वाला है वहाँ पर डक्टिंग बन सकते हैं, पाइपिंग भी बना सकते हैं, लेकिन हालांकि वहाँ पर डक्टिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर डक्टिंग का जो सिस्टम है बहुत अच्छे से बना के रखा होता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं क्या करूँगा, जो फायर फाइटिंग मॉडल बनाने के लिए मैं प्लम्बिंग जो टेम्पलेट है उसको लूंगा और उसके अंदर मैं फायर फाइटिंग का मॉडल करूंगा। तो यहाँ पे देखता हूँ प्लम्बिंग का यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए क्या करूँगा, ब्राउज में जाऊंगा और यहाँ पे प्लम्बिंग डिफॉल्ट मैट्रिक वाला यहाँ पे जो टेम्पलेट मेरे पास अवेलेबल ऑलरेडी है, तो इसको मैं ओपन कर लूंगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट खोलूंगा, क्योंकि मुझे टेम्पलेट नहीं करना है। तो ये प्रोजेक्ट खोलने के बाद यहाँ पे मैं जो रेबिट फाइल उन्होंने दिया है इसको यहाँ पे लिंक कर लूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके इंसर्ट, देन मैं लिंक रेबिट, और यहाँ पे तो यहाँ पे कंट्रोल भी, देन एंटर, और यहाँ पे जो लिंक दिया है, जो रिबिट फाइल दिया है उन्होंने, इसको मैं ओरिजिन टू ओरिजिन कर लूंगा। अगर सेंटर टू सेंटर करूंगा तो बाकी जितना आगे फाइल आएगा तो वो भी सेंटर टू सेंटर करना पड़ेगा, लेकिन हालांकि जो मैक्सिमम लोग करता है वो ओरिजिन टू ओरिजिन रख के फाइल को लोड करता है, ठीक है ना। तो इसको ओरिजिन टू ओरिजिन रख के ओपन कर लूंगा और ये यहाँ पे लोड हो जाएगा, यहाँ पे वो लोड हो गया, लेकिन कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया, ठीक है ना। अब पहले मेरा पोर्शन यहाँ पे था, लेकिन अभी यहाँ पे आ गया, तो ये डिफॉल्ट वाला लोकेशन है। अब मैं ये जो इसको भी डिलीट कर सकता हूँ, चाहे तो इसको मूव करके यहाँ पे भी अरेंज कर सकता हूँ। बहुत लोग एक क्वेश्चन आएगा, ये जो चीज़ है ये क्या है, ये कुछ नहीं है, एलिवेशन जो व्यू है, अगर मान लो ये कौन सा व्यू है, ये नॉर्थ व्यू है, ये साउथ है, और ये है मेरा ईस्ट और ये वाला वेस्ट। अगर आपको कन्फर्म करना है तो मैं क्या करूँगा, ये वाला अगर व्यू खोलूंगा, ये कहाँ पे चलना चाहिए, ये नॉर्थ में जाना चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ है, ये जो एलिवेशन है ना, मान लो बिल्डिंग का सबसे बाहर वाला पोर्शन से आपको कुछ व्यू देखेंगे ना, तो उसको आप एलिवेशन बोलेंगे। तो एलिवेशन में जो नॉर्थ वाला व्यू है वो ये वाला है, और साउथ वाला ये वाला। अगर मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, जैसे मान लो इसको डबल क्लिक करूंगा तो नॉर्थ व्यू में देखो अपने आप चला गया, इसको बंद कर दूँ। अगर मान लो ईस्ट में देखूंगा तो ईस्ट में अपने आप चला जाएगा, तो ईस्ट में देखूंगा डबल क्लिक करूंगा तो ईस्ट में चला गया। तो ये व्यू है, ये व्यू यहाँ पे देख रहा है, ये डिफॉल्ट वाला ऑटो डेस्क का। मैं इसलिए क्या करूँगा, इसको मैं डिलीट ना करके यहाँ पे मैं अरेंज करने की कोशिश करूँगा। तो ये कभी कभी काम में आता है, अगर मान लो बिल्डिंग का सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल पोर्शन आपको देखना है तो उस केस में आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा इसको अरेंज कर दूँ, तो ये फ्यूचर में कभी कभी काम आ सकता है, ठीक है। इसको यहाँ पे बैठा के यहाँ पे इसको यहाँ पे थोड़ा मूव कर लूँ। अभी अगर मैं डबल क्लिक करूँ यहाँ पर, ये यह कहाँ पर जाएगा, ये नॉर्थ में जाएगा। नॉर्थ में जाने के बाद देखो, अभी पहले बिल्डिंग नहीं था ना, बिल्डिंग यहाँ पे देख रहा है जो, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिंक किया ना, और यहाँ पे नॉर्थ को काट दूँ। अभी यहाँ पे जो एलिवेशन में यहाँ पे अरेंज कर दिया, चलो ठीक है। अभी क्या करूँगा, मुझे अभी खान से जो कैट दिया है उसको यहाँ पे लोड लोड करूँगा, ठीक है ना। तो लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे जो ग्रिड और लेवल यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, लेकिन ये जो फाइल है ना यहाँ पे कोई ग्रिड तो नहीं देख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, नॉर्थ में चला जाऊँगा और यहाँ पे देखो लेवल तो काफी सारा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेवल को कॉपी मॉडल करके मेरा जो नया वाला फायर फाइटिंग का मॉडल बनेगा वहाँ पे मैंने रखना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी डिफॉल्ट वाला होता है लेवल, मैं इसको भी दबा के मैं रिबिट को बंद करने की कोशिश करूँगा और लिंक को बंद करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे
ये देखो जो दो लिंक ये जो लेबल है ना, ये लिंक का नहीं है, ये जो मेरा जो जिस फाइल में काम कर रहा हूँ उसी में डिफॉल्ट वाला जो ऑटो डेस्क का है लेवल वन लेवल टू वो दिख रहा है। अगर मान लेवल टू को डिलीट कर दो तो हो जाएगा, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो डिलीट कर लूंगा तो यहाँ पे जो व्यूज है ना वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। देखो अभी एक बचा हुआ, अगर ये जो एक बचा हुआ है इसका है, अगर एक को इसको भी डिलीट कर दूंगा तो ये भी चला जाएगा, लेकिन आपको लिमिट परमिशन नहीं देगा क्योंकि आपको मिनिमम एक रिपीट का जो लेवल है ना यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो आप डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट एक लेवल रखना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा इसको रखने देता हूँ। अभी विविधा हुआ के मेरा रिपीट का जो लिंक है इसको फिर ऑन कर लूंगा और यहाँ पे जो लिंक वाला जो लेवल है ना इसको यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कॉपी मर्डर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही है तो कॉपी मर्डर कैसे करना होता है। जो कोला बोर्ड में जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कॉपी मॉनिटर सेलेक्ट लिंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद मल्टीपल देन यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिल्टर करना पड़ेगा, फिल्टर में आपको लेवल लेना पड़ेगा 14 लेवल से। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद ये वाला फिनिश, देन यहाँ पे ये वाला फिनिश करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा प्रोसेस का टाइम लगेगा। इसको होने के बाद ये वाला फिनिश को यहाँ पे कॉपी मॉनिटर में ये वाला फिनिश को मुझे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने जो सारे लेवल यहाँ पे ले लिया, अब मेरे पास जो पुराना वाला जो लेवल है ना ये पकड़ में आएगा मुझे, तो ओके ये आ गया पकड़ में। अभी इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, जैसे डिलीट कर दूंगा देखो यहाँ पे जो बाकी दो व्यू पड़ा हुआ ना ये भी डिलीट हो जाएगा। देखो अभी कुछ भी नहीं है, बस 3D है और जो एलिवेशन है वो यहाँ पे देख रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे अभी देखना पड़ेगा, मुझे 3D में थोड़ा आपको दिखाऊँ। 3D में देखने के बाद एक्चुअली मुझे कहाँ पे मॉडल करना पड़ेगा, ये 3D में अगर मैं दिखाऊँ, 3D में ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पे मुझे पूरा मॉडल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है ना बाकी मुझे नहीं पता क्या करना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मॉडल करने से पहले मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे फिनिश प्लॉट कौन सा है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या करूँगा मैं, कोई भी एक एलिवेशन में जाना पड़ेगा। हो सकता है मैं अगर टॉप व्यू से देखूँ तो यहाँ से देख रहा है, अगर इधर है इधर है ठीक है ना, तो मैं एक कोई भी एक ईस्ट साइड में चला जाऊँगा। तो ईस्ट में जाने के बाद मुझे मॉडल करना पड़ेगा यहाँ पर ईस्ट, नहीं तो वेस्ट, वेस्ट में से हाँ ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मॉडल करना पड़ेगा। अब मैं देख लूँ यहाँ पर इसको फाइन मोड करके और ऑरफन करके तो सारा चीज़ पता होगा देखने में। यहाँ पे डोर है, डोर का एकदम शेष जो प्रांत है यहाँ पर ये वाला होगा मेरा फिनिश प्लॉट। हालांकि यहाँ पे दो लेवल देख रहा है, लेकिन मैं इसको टॉप वाला जो फिनिश प्लॉट होना चाहिए और नीचे वाला SSL, लेकिन डोर नीचे की तरफ आ गया मीन्स ये जो लेवल से इसको इग्नोर करके मैं ये वाला लेवल को फिनिश प्रो मारूंगा। कहाँ पे ये जो फैक्ट्री वाला जो रूम है इसको यहाँ पे मॉडल करने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो लेवल है कौन सा है मैं देख लूँ। ये वाला लेवल का नाम है यहाँ पे नाम जो है यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर 0 02 ग्राउंड फ्लोर है ठीक है ना। तो मुझे 02 ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मुझे मॉडल करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा व्यू में जाऊँगा, व्यू के अंदर प्लान व्यू फ्लोर प्लान यहाँ पर 02 ग्राउंड फ्लोर से सिलेक्ट करके फिर ओके कर लूंगा। अब यहाँ पे ये जो व्यू है यहाँ पे देखेगा और ये वाला व्यू के ऊपर मुझे कैड को लिंक करना पड़ेगा ठीक है ना। अब मैं कैड में जाऊंगा, कैड में मेरा यहाँ पर है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा ये वाला पूरा जो कैड है मैं इसको डब्लू ब्लॉक कर लूँगा ठीक है ना। डब्लू ब्लॉक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मान लो इसको मैं नाम दूंगा फायर फाइटिंग FIGHT फायर फाइटिंग लिंक ठीक है ना। तो ये वाला लिंक को मैंने यहाँ पे नेमिंग कर दिया और इसको मैं सेव करके इसको मिलीमीटर को मीटर मीटर था पहले मिलीमीटर कर लिया, देन इसको ओके कर लूँ। अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा सा ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक के कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है ना। अब ये जो ब्लॉक होगा ये भी कैड है, इसको मैं यहाँ पर लिंक करूँगा। अब मैं क्या करूँगा फिर जाऊँगा मेरा जो रेविट है यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये जो बाकी व्यू है ना इसको बंद कर दूँ, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं लिंक जो कैड है ना करूँगा, अभी यहाँ पर लिंक कैड यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर लिंक वाला जो कैट फाइल है इसको मैं क्लिक करूंगा। देन मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो कारण भी ऑनली है यहाँ पे इसको मैं क्लिक करके बाकी ओरिजिन जो ऑरिजिन रख के यहाँ पे प्रिजर्व को ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो, नहीं तो प्रिजर्व जो भी कलर है यहाँ पर रहने दो। और इसको ऑटो डिटेक्ट को मिलीमीटर भी कर सकते हो, करने के बाद इसको ओपन कर लो और यहाँ पे लोड हो जाएगा। देखता हूँ कहाँ पे लोड हो गया, यहाँ पे दिख नहीं रहा है कहीं, यहाँ पे देखा है लेकिन वो स्केलिंग की प्रॉब्लम की वजह से वो दिख नहीं रहा है। तो उसको मैं कैसे करूँगा सिलेक्शन में, तो इसको मैं पहले यहाँ से जो क्रॉस है ना इसको हटा दूँ फिर जाके पूरा सिलेक्ट कर लूँ ठीक है ना। अब सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन एलिमेंट दिख रहा है लेकिन वो कौन सा एलिमेंट मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं फिल्टर में जाऊँगा, फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे दिखाओ यहाँ पे चेक डाउन कर लो। चेक डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको जो मिलेगा जो मैंने कर लिंक किया था फायर फाइटिंग लिंक DW ठीक है ना, इसको मैं ओके कर लूंगा। अब ये जो है ना यहाँ पे कैट पड़ा हुआ है इसको पहले अनपिन कर लूँ फिर यहाँ पे बैठा दूंगा ठीक है ना।
अभी इलेवन काफी छोटा है, इसको मुझे स्केल करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी भी ऐसा हो सकता है जो स्केल प्रॉपर नहीं होगा तो छोटा बड़ा हो जाएगा, तो उसको आपको स्केल करके यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक प्राइमरी बेसिस में इसको स्केल कर लूँगा, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ा सा कर लूँ, तो मुझे मान लो यहाँ तक कर लिया। अभी इसको बाद यहाँ पे स्केल करूँगा, इसको मूव करके ये वाला जो पॉइंट है इसको पकड़ूंगा, अब यहाँ पे इसको मैं बैठा दूंगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इसको फिर दोबारा स्केल करूँगा, स्केल करने के बाद हाँ यहाँ पे बैठा हुआ, इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा, तो देखता हूँ प्रॉपर सब जगह ठीक जगह बैठ गया, यहाँ पे भी परफेक्ट बैठ गया है और यहाँ पे भी ये परफेक्ट बैठ गया है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, मतलब ये सही से लिंक हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पिन भी कर सकता हूँ, पिन कर दो तो कभी भी गलती से वो इधर उधर भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसको पिन कर दिया, फिर भी दबा के फिर यहाँ पे ये टेम्पलेट में लॉक है, तो इसलिए टेम्पलेट में पहले नान कर दूंगा, अब यहाँ पे नान करके ओके कर दूंगा और यहाँ पे भी दबा के थोड़ा इसको हाफ टोन मोड में कर लूँ, तो जो मेरा मोड मेन जो मॉडल होगा वो डीप देखेगा, ठीक है ना। तो ये जो लिंक है इसको थोड़ा हाफ टोन कर दिया, मीन्स लाइट हो गया है, इसके ऊपर मुझे मॉडल करना पड़ेगा। अब देख लो ये जो पाइप से कहाँ से आ रहा है कहाँ तक, मान लो ये जो पाइप से यहाँ से आके फिर यहाँ पे इतना तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और ये जो पाइप से यहाँ से इधर से आके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब एक दो जो पाइप है यहाँ तक कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पाइप से यहाँ से आ रहा है कोई टेंशन नहीं है, और ये जो पाइप से यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो चार जगह से पाइप आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं क्या करूँगा, ये जो छोटा सा पोर्शन है इसका मैं एक मॉडल कर लूँ, देखने में छोटा है लेकिन इसका काफ़ी एरिया बड़ा है, मैं इसको एक बना के फिर यहाँ पे कॉपी 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 करते जाऊँगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इससे पहले मुझे यहाँ पे जो मॉडल करने के लिए कौन सा चीज़ चाहिए, पाइप बनाना पड़ेगा, स्पिंगलर लेना पड़ेगा, फैमिली जो जो चाहिए यहाँ पर, तो मैं ऑलरेडी जो टावर वाला मॉडल में यहाँ पे कर दिया है, वो जो पाइप का कैसे सेटिंग करना होता है फायर फाइटिंग में, और पाइप जो फिटिंग कैसे लोड करना होता है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है, उसको फॉलो कर सकते हो और वो वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। और मैं वही जो मॉडल से यहाँ पे मैंने फाइल बाहर का जो पाइप है इसको कॉपी करूँगा, मैं इसको कॉपी करके मेरा जो ग्राउंड फ्लोर वाला यहाँ पे जो नया फाइल बनेगा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँ, कंट्रोल भी करके इसको ओके कर दूंगा, ठीक है ना। ओके करके यहाँ पे ले आ जाऊँगा, अब देखो यहाँ पर इसको फाइन मोड कर दो और इसको वाइफ कर दो, यहाँ पे जो देखो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जो एडिट टाइप करके जो सेटिंग वगैरह यहाँ पे देख रहा है ना, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कर दिया था टावर के अंदर। अगर अब सेम चीज़ में यहाँ पे भी करने जाऊँ नया प्रोजेक्ट के अंदर जो खान सर का फाइल मैं चाहिए, तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उतना टाइम तो मेरे पास नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, वो वाला वीडियो फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेटल कैसे बनाया और उसका जो सेटिंग वगैरह मैंने कैसे किया है वहाँ से आप चेक कर सकते हो, जो वही सेटिंग यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया है, बाकी कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे मैं पाइप को कॉपी कर लिया, फिर इसको अलाइन कर लूँगा, कहाँ पे मॉडिफाई में जाके यहाँ पे अलाइन, इसको मैं यहाँ पे अलाइन कर दिया। अब यहाँ पे कौन सा चीज़ चाहिए, यहाँ पे मुझे स्पिंगर चाहिए, तो मैं स्पिंगर ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लोड कर लूँगा। ये पेंडेंट अपराइट चाहिए और साइड वाला स्पिंगर अभी तो नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा मैं इसको यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख के इसको मैं छोड़ दूंगा, अब यहाँ पे ये स्पिंगर लोड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेक्शन बनाऊँगा, यहाँ पे सेक्शन ड्रॉ कर लूँगा नया वाला, ओके। अब यहाँ पे सेक्शन में देखूंगा मेरा पाइप एक्चुअली कहाँ पे है, गो टू व्यू करके ये पाइप यहाँ पे देख रहा है लेकिन मेरा स्लैब नहीं देख रहा, ठीक है ना, ये स्लैब यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ देख लूँ, यहाँ पे स्लैब है। ओहो, मैं क्या करता हूँ, इसको 25 स्केल कर लूँगा और इसको मैं फाइन मोड कर लूँगा, इसको मैं वायरफ्रेम कर लूँगा। अभी देखो ये स्लैब यहाँ पे है और बोर्ड का जो स्लैब है ऊपर में है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लूँ और बाकी जो है ना इसको सेटिंग में बंद कर दूँ, नहीं तो वो स्नैप में पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो पाइप है यहाँ पे इसको मूव कर दूँ, अब मैं देख लूँ मेरा जो स्लैब से मेरा जो फिनिश फ्लोर का जो डिस्टेंस कितना है, ये 8.550 है, तो इतना काफ़ी है क्योंकि ये फैक्ट्री है ना, तो इसीलिए डबल हेड एरिया होता है कभी कभी, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अभी देखो पाइप जो है ना मैं मूव तो कर दिया, देखो पाइप ग्राउंड फ्लोर से ना गायब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पाइप गायब हो गया, अब इसको ले आना है तो मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा, व्यू रेंज में जाना पड़ेगा, तो व्यू रेंज में देखूंगा, व्यू रेंज में मुझे यहाँ पे 10,000 दे दो, 8,500 कुछ था, तो मैं मैक्सिमम मेरा सेफ्टी के लिए 10,000 कर दूँ,
और मैं एक सेलिंग एक नॉर्मल जब 2300 ऐसा रखूँ, और 2300 रखने के बाद इसको पार्ट टाइम में इसको क्या कर दूँ, अभी ये पाइप यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे स्प्रिंगलर शो करना पड़ेगा, तो स्प्रिंगलर शो करने के लिए सी एम दबाना पड़ेगा। सी एम मीन्स जो करंट मैंने लोड किया है वो यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आपका स्प्रिंगलर अपने आप आ गया है। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एससी करके यहाँ पे एक बढ़ा दिया है। अब गो टू व्यू करके देखूंगा मेरा जो अपर स्प्रिंगलर है वो यहाँ पे बैठ गया है। इसको मैं यहाँ पे मूव कर लूंगा, और मूव करके यहाँ पे लगा दूंगा। अभी यहाँ पे कंडीशन है, जैसे कि मान लो मैंने आपको कैड में दिखाया था, तो अपराइट स्प्रिंगलर और पिनलेट स्प्रिंगलर जो लोकेशन स्लैब में कैसे होना चाहिए डिटेल में, पहले जो मैं अपराइट का बताता हूँ। जैसे अपराइट स्प्रिंगलर में आपको मिनिमम 25 mm स्पेस छोड़ना पड़ेगा बॉटम ऑफ स्लैब से, ठीक है ना, और मैक्सिमम 305 बींस 1 फिट के करीब आपको मैक्सिमम से जो स्लैब से का जो स्प्रिंगलर का जो टॉप है इसका डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा ना, स्प्रिंगलर का जो पानी है ना स्लैब तक नहीं आएगा, तो उस केस में अगर इस मान लो 300 से ज़्यादा ऊपर कोई सर्विस होगा तो उसमें वो फायर अगर आग लग जाएगा तो वहाँ तक पानी नहीं पहुँचेगा। तो इसीलिए आपको मैक्सिमम 305 तक आपको स्पेस रखना पड़ेगा स्प्रिंगलर का टॉप से स्लैब का बॉटम, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे देख लिया, तो मैं क्या करूँगा, ये भी मैं कोशिश करूँगा 305 के अंदर रखने का, और मैं रिपीट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं मेजर कर लूँगा। यहाँ से जो स्प्रिंगलर का जो टॉप है 175 देख रहा है, तो मैं इसको कितना कर सकता हूँ, 150 कर लूँ। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ड्रॉ पाइप करके यहाँ पे आप कर लूँ, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं स्पिनर को सेट करता हूँ। स्पिनर को जो साइज है 15 है, यहाँ पे एसएल दबा के इसको मैं 15 कर लूँगा, ठीक है। अब ये जो छोटा सा पाइप है इसको डिलीट कर दूंगा, और ये जो स्पिनर है इसको मैं यहाँ पर ट्रैक करके छोड़ दूंगा। अब मैं यहाँ पे जो स्पिंगलर से जो मेरा पाइप है ना, मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 300 रखता हूँ, ठीक है, इतना रख सकता हूँ। तो 300 रखूँगा तो ये जो एल्बो है ट्रांजिशन है और स्पिंडर, ये तीनों कनेक्ट हो जाएगा, तो 300 काफ़ी है। अगर चाहे तो इसको और भी ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेन जो पाइप है वो भी आना है, तो वो भी थोड़ा आपको देख के करना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इस स्पिंडर हो गया, अभी सेम स्पिंडर बाकी जगह पर भी होगा, तो कॉपी कर लूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको एससी दबाऊँ, फिर जाके यहाँ पे कॉपी कर लूँ, ठीक है। हालांकि मैं उसको पूरा सेट को भी कॉपी कर सकता था, लेकिन हालांकि मैं ऐसे बस ऐसे कर रहा हूँ, आपको दोनों ही सही है, ठीक है। अब मैं इस जो स्पिनर है इसका सेंटर पकड़ लूँ, और हालांकि स्पिनर को लेके भी कर सकता था, लेकिन कोई मुश्किल नहीं। ऐसे करके यहाँ पे जो ट्रेंच है इसको मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, ठीक है, अब जुड़ गया है। अब मैं यहाँ पे ट्रिम करूँगा, ये वाला ट्रिम कर दूंगा। अभी जो है दो स्प्रिंगलर कनेक्टेड है, अभी सेम जो है ना मिरर यहाँ पे भी होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टैब दबा के सिलेक्ट कर लूँगा, फिर यहाँ पे मिरर कर दूंगा, ठीक है ना। कॉपी रखना है ऑब्वियसली, इसको मिरर कर दूँ, पहले इसको मूव करके इसका सेंटर, फिर इसका सेंटर, ये सेंटर में आ गया है। फिर ये वाला स्प्रिंगलर को भी मुझे सेंटर में ले आना होगा, इसी करके यहाँ पर फिर इसी, ओके। तो ये स्प्रिंगलर भी ठीक हो गया है। अब मैं यहाँ पे गो टू व्यू करूँगा। अब देखो दो स्पिनर यहाँ पे, दो स्पिनर यहाँ पे। अब मैं ऑलरेडी मैं आपको बता दिया, यहाँ पे स्पिनर का जो चार टाइप का स्पिनर यहाँ अवेलेबल है, और यहाँ पे टेबल भी है, ठीक है ना। अब मान लो ये टेबल है, यहाँ पे दिखाया है जो ऑर्डिनरी हजार डाइट हजार जो है ना, वहाँ पे उसके हिसाब से कितना स्पिनर के लिए कितना साइज होना चाहिए पाइप साइज, वो यहाँ पे दिखाया है। जैसे कि मान लो ये लाइट हजार, लाइट हजार का एक्चुअली कहाँ पे होता है, जहाँ पे रिस्क फैक्टर थोड़ा कम है, जैसे कि मान लो ऑफिस है, स्कूल है, जहाँ पे खतरा कम है आग लगने का, तो उसको लाइट हजार्ड में हम उसको कंसिडर करेंगे। और जो ऑर्डिनरी हजार्ड है ये थोड़ा है, लेकिन जहाँ पे रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको ऑर्डिनरी हजार्ड वाला जो स्प्रिंगलर काउंटिंग देखना पड़ेगा। अब देखो लाइट हजार्ड में जो रेंज है ना स्प्रिंगलर का जो काउंटिंग का, इस 60 में खत्म है, 60 से कुछ है अब लिख दिया ऐसे। यहाँ पे देखो रेंज थोड़ा ज़्यादा है, तो ये हम इस टेबल है ना इसको ले लेंगे। और जो सर का जो मॉडल है वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा है, फैक्ट्री एरिया है, तो वहाँ पे जो ऑर्डिनरी है जो उसको हम कंसीडर करके यहाँ पे हम मॉडल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं देख लिया दो स्पिलर के लिए कितना है, 25, तीन स्पिलर के लिए 32, और चार से पाँच स्पिलर के लिए 40, जो भी है यहाँ पर टेबल में देख रहा है। अब मेरे पास जो है ना एक ब्रांच में चार स्पिलर आ रहा है, तो चार स्पिलर मीन्स चार से पाँच के अंदर जो भी स्पिलर होगा उसके लिए साइज होगा कितना, 40। अब मैं रेबिट में चला जाऊँ, तो यहाँ पे रैपिड में जाके आप देखो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा स्ट्रेच कर लूँ, क्योंकि दोनों पाइप एक ही पाइप में कनेक्ट होगा ना, तो यहाँ पे एसएल कर लूँ और यहाँ पे इसको 40 कर लूँ, ओके।
अब यहाँ पे इसको जोड़ भी लूँ, ऐसा कर सकता हूँ, और इसको हाँ ये कॉपी कर लूँ, और कॉपी करके यहाँ पे रख के इसको घुमा लूँ ऐसा, और यहाँ पे रख के इसको मैं ट्रिम कर दूँ, ये वाला ट्रिम और ये वाला, तो टी लग जाएगा अपने आप। और ये जो है ना रिड्यूसर, कितना कोशिश करो जितना पास हो सकता है, ठीक है, नहीं तो आपका जो बड़ा पाइप का जो साइज है ना वो तरह कॉस्टिंग में आ जाएगा, तो इसीलिए इतना रखने की कोशिश करो करीब करीब। और ये हो गया मेरा पहला वाला, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ, इसको पूरा सिलेक्ट करने के बाद इसको मूव करके यहाँ पे रख लूँ, तो एकदम एक सर कैट के हिसाब से होगा, तो यहाँ पे ऐसे कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ऐसा जो पूरा मॉडल बना ना इसको मैं पूरा जगह भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इसको कॉपी नहीं कर सकता। अगर मान लो कॉपी करने के बाद मुझे याद आया मुझे टैगिंग भी करना होगा, तो उसके इसमें आपको सारे पाइप को अलग अलग टैगिंग आपको करना पड़ेगा, तो उसमें आपका उसका टाइम जो है ना काफ़ी लग जाएगा। तो एक काम कोशिश करो, यहाँ पे एक पाइप का जो टैगिंग वैगिंग सेट करने के बाद अब दूसरा पाइप में, फिर जो है ये जो पूरा फाइनल होने के बाद टैगिंग के साथ, तो फिर अब दूसरे पाइप में इसको दूसरा जगह जगह जहाँ पे जरूरत होगा सेम टू सेम, तो वहाँ पर कॉपी कर दो। तो मैं क्या करूँगा, टैगिंग भी कॉपी कर लूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टैग पड़ा हुआ है, और टैग जो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लोड कर लिया है। यहाँ पे एडिट फैमिली कर लूँ और इसको लोड फैमिली कर लूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट टू के अंदर लोड कर लूँ, यहाँ पे लोड हो जाएगा। ओरिएंटेशन 3D व्यू में आ गया ना, चलो कोई नहीं, 3D टैब बंद कर दो अभी, तो TG कर लूँ, यहाँ पे टैग आ गया है, यहाँ पर इसको मूव करके यहाँ पर रखूँ। सेम वैसे मैं बॉटम ऑफ पाइप का जो टैग मैंने बनाया था इसको भी एडिट फैमिली करके इसको लोड फैमिली कर लूँ, ठीक है ना। इसको ओके कर लूँ, नो कर लूँ, यहाँ पे लोड कर लूँ इसको, ओके। अब मैं इसका लीडर बंद कर दूँ, अब यहाँ पे इसको थोड़ा एडजस्ट कर दूँ, और यहाँ पर जो मिलीमीटर है इसको मुझे बंद करना है, तो यहाँ पे जाना बंद करना है, तो यूनिट जाना UN पाइप, यहाँ पे पाइपिंग सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे पाइप साइज के अंदर जो यहाँ पे सेटिंग है ना इसको मिलीमीटर को नॉन कर दो, तो देन ओके कर दो, तो मिलीमीटर गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना सेटिंग मैंने CS दबा के लीडर को बंद कर दो एक दफ़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा, ठीक है ना। हालांकि उन्होंने इंच में किया है लेकिन मैं मेट्रिक में करूँगा, इसको मैं इंच में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो वो भी एक झटके में हो सकता है। मान लो यहाँ पे यूनिट में चलोगे, फिर यहाँ पे अगर इंच में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे पाइप साइज में जाओगे, यहाँ पे मिलीमीटर है ना इसको फीट फ्रैक्शनल जो है ना फ्रैक्शनल इंच में रख दो, देन ओके करके देखो ये इंच इंच में है ना कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हालांकि मैं इंच में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे मिलीमीटर में उसको मैट्रिक हो सकते हैं, मैट्रिक में उसको मैं यूज हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यूनियन में जाके फिर चेंज कर लूँगा पाइपिंग के अंदर, यहाँ पे पाइप साइज के अंदर यहाँ पे जो मिलीमीटर है ना एक दोबारा इसको सिलेक्ट कर लूँ, देन ओके कर लूँ, देन ओके कर लूँ। अब मैं फिर दोबारा इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे और एक चाहिए, जैसे कि यहाँ पे फ्रेम जाके ये वाला पाइप को मुझे देना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर CS दबा के यहाँ पे भी मुझे चाहिए, और क्योंकि ये जो पाइप साइज अलग है इसका, तो इसको ऐसे रख के ख़त्म कर दूँ, ठीक है ना। चाहे तो इसको यहाँ पे रख लूँ, ठीक है, तो ऐसा भी कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसका टैगिंग तो कर लिया मैंने, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक चीज़ कर लूँ, यहाँ पे गो टू व्यू करके यहाँ पे ड्रॉ पाइप, सॉरी दूसरा हो गया, यहाँ पे ड्रॉ पाइप, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद ग्राउंड फ्रेम में जाऊँगा और इसको घुमा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे घूम गया है, अब मैं क्या करूँगा इसको रोटेट कर लूँ, अब देखूँगा इसको रिमूव रिफरेंस मुझे नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कॉपी कॉपी करते जाऊँगा, ठीक है ना। अभी इसको स्ट्रेच कर लूँ जितना से जितना हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अभी इसको कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी करने से पहले मैं देख लूँ कौन सा जिसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा। हो सकता है ये जो एल्बो मैंने बनाया इसको रख भी सकते हो, चाहे तो ना भी देखो तो चलेगा, ठीक है ना। पहले एक काम करता हूँ, इसको रहने दूँ, ठीक है ना। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो पाइप है इसको मैं पूरा स्ट्रेच करके यहाँ तक कर लूँगा, ठीक है।
अभी देखो खान सर यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है, यहाँ तक वो 6 इंच रखा है, मीन्स यहाँ तक 150 करना पड़ेगा। 6 इंच में से 150 150 कर दो, और यहाँ पे इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दो, यहाँ से यहाँ तक इसको बोला है 5 इंच, ठीक है ना। इसको थोड़ा 5 इंच मीन्स यहाँ तक मीन्स ये वाला लेना पड़ेगा, 5 इंच मीन्स 125, 125 मीन्स यहाँ पे 125 है ऑलरेडी, काफ़ी है। तो 25 और 150 के बीच में जो मेरे को रिड्यूसर चाहिए वो भी अलग होना चाहिए। मैं ऑलरेडी वो फैमिली यहाँ पे लोड किया था, इसको मैं रिप फैमिली करके इसको मेरे फाइल में ले आऊँगा। तो लोड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 2 के अंदर लोड होना है, लोकर का सेव नहीं करना है मुझे, अभी यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको एक्सेप्ट कर दो, एक्सेप्ट करने के बाद ये जो एल्बो इसको पहले सिलेक्ट करो, फिर जाके ये जो फिटिंग है इसको सिलेक्ट कर लो, तो ये वाला फिटिंग यहाँ पे आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे 4 इंच का है, 4 इंच बोले तो 100 का है, ये जो 4 इंच बोल रहा था यहाँ पे तक, ठीक है। तो 4 इंच ये भी जो 4 इंच 100 है, अभी कॉन्सिडर करूँगा जो खान सर ने जो साइज बनाया है ये NAPO कोड को जो फॉलो करके बनाया है, और जो चार्ट मैंने दिखाया है इसको फॉलो करके बनाया है, ठीक है ना। इसीलिए मैं अभी वेरीफाई नहीं करूँगा, जो ब्रांच का मैंने वेरीफाई कर लिया ऑलरेडी, और अभी सिर्फ जो मेन जो पाइप है उसका भी वेरीफाई नहीं करता हूँ, उसको मॉडल करने के बाद मैं फिल्टर करके आपको चेक करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 इंच के रखता हूँ और यहाँ पे 3 इंच होगा, ठीक है। 3 इंच कहाँ तक है, यहाँ तक मीन्स यहाँ तक होगा, तो ये 3 इंच बोले तो इसको हम 3 इंच क्या है, 3 इंच मीन्स यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरा जो टेबल है, 3 इंच मीन्स 80 है, ठीक है। 80 भी रख सकते हो, लेकिन 65 भी एक बीच में है, वो 11 से 20 तक है, तो वो भी कर सकता हो, ठीक है। लेकिन वो 65 का लिया है एक ही ब्रांच, ठीक है ना, एक ही ब्रांच का 65 लिया है, 65 बोलो तो 2, ओके, ये वाला ब्रांच को बस 65 लिया है, तो इसको 80 रखा है अभी, तो 80 कर दूँ, ठीक है। तो और ये जो है ना इसको मुझे 65 करना पड़ेगा, हालांकि 65 देखो यहाँ पे 4 4 8 है, यहाँ पे अगर 4 इसको ऐड कर लूँ तो 4 4 8 होगा, ठीक है ना। अगर ऑर्डिनरी हर जगह टेबल देखूँ तो 4 4 8 की जगह कितना होना चाहिए, 5 में जो है ना 8 6 से 10 50, मतलब 6 के 10 के अंदर 8 स्पिलर होता है ना, तो 50 का पाइप साइज होना चाहिए, हालांकि यहाँ पे 50 का पाइप साइज होना चाहिए। 50 मीन्स जो है ना मेरे को अगर इंच में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे देखो 50 में 2 इंच का होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वो 2 इंच लिया है, लेकिन होना तो चाहिए 2 इंच की नहीं है, यहाँ पे 40 का होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डिनरी अगर मैं हफ्ते हजार देखूँ 40, यहाँ पे 4 से 5 के अंदर, क्योंकि मेरा रेंज 4 से 5 है ना, तो मैं यहाँ पे 50 की लूँ, ठीक है ना। ये गलत है, यहाँ पर बिल्कुल गलत है, ये मैं फॉलो नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 40 मीन्स 4 स्प्रिंगलर है, 4 से 5 है, तो यहाँ पे देखो ये भी हजार के अंदर, अगर देखो ना 4 से 5 के अंदर 40 है, ये भी देखो ऑर्डिनरी में भी 4 से 5 के अंदर 40 है, तो मैं इसीलिए क्या करूँगा यहाँ पर इसको मैं 50 रखूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक इसका कैपेसिटी मेरे पास है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मेरा काम अभी शुरू होगा, ठीक है ना। अभी पाइप है ना इसका साइज भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है ना। 50 अगर 50 अगर 65 देखूँ तो 65 में 20 तक है कैपेसिटी, ठीक है ना। 20 मीन्स यहाँ पर 4 4 का करना, 4 5 चार चार 16 यहाँ तक, तो अगर मैं यहाँ तक भी देखूँ यहाँ तक ये 65 ले लेगा, ठीक है 65। अगर यहाँ पे 3 इंच उन्होंने दिखाया है, लेकिन यहाँ पे 65 में भी काम चल जाता है, ठीक है, क्योंकि 65 में मेरा जो हैजर्ड एरिया है, अगर मैं टेबल में देखूँ तो 65 में 20 तक कैपेसिटी है, अगर 20 स्प्रिंगलर तक इसका कैपेसिटी है, तो मैंने 20 यहाँ पे 4 5 4 5 मल्टीप्लाई करो तो 20 ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया है 65, और ये हो गया मेरा 50। 50 में कितना होता है, 50 में मैंने जो देखा है अभी एक बार चेक कर लूँ, 50 में 10 तक है, 10 तक है, 6 से 10 तक, अभी यहाँ पे 8 हो गया, तो 50 का यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये 50 यहाँ पे सब खत्म, यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे 65, ओके डन हो गया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको गो टू व्यू करके इसको इसको छुड़ा दूंगा, यहाँ पे फिर क्या करूँगा टैब दबाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे भी टैब दबा सकते हो, टैब में पूरा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूरा टैग को भी सिलेक्ट कर लो,
तो आपको दोबारा करने का जरूरत नहीं होगा टैग को, ठीक है ना। फिर कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद ये जो है ना यहाँ से इसका मिडिल फिर यहाँ पे कॉपी कर लो। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे ख़त्म। अब मैं यहाँ पे गो टू क्यू करूँगा, यहाँ पे फिर वो यहाँ पे जोड़ दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे 50 होगा तो यहाँ पे वही वाला 3 यहाँ पे लेके यहाँ पे जोड़ दूँगा, तो ये मेरा हो गया 50, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये मेरा हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, तो एक काम कर सकता हूँ, ये जो इसको फिर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक यहाँ पे भी टैब दबा के सिलेक्ट कर लिया है, फिर यहाँ पे इसको 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 सबको सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉपी ओके, इसका सेंटर ले लो, फिर यहाँ पे ले लो, ठीक है ना। लेकिन ये जो पाइप होगा ना ये 65 का होगा। अब यहाँ पे 60 यहाँ पे जोड़ दो पहले, जोड़ने के बाद फिर चलूँगा यहाँ पर, ये 65 होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं इन पे कोड का टेबल देखो ऑर्डिनल हैजर वाला, तो यहाँ पे इसके सब 65 65 होगा, तो मुझे यहाँ पे मैकेनिकल टी लगाना पड़ेगा, और मैकेनिकल टी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। मैं इसको एडिट फैमिली करके लोड कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने दूसरा वीडियो में उसको बनाया था कैसे लोड करना है, कैसे इसको यूज करना है, वहाँ से फॉलो करके आप देख सकते हो। इसको मैं लोड कर लूँ मेरा प्रोजेक्ट के अंदर। हाँ ओके, देन मैं यहाँ पे इसको एक ऐसे रख लूँ, ठीक है ना, यहाँ पे रख लूँ। यहाँ पे इसका जो पाइप है इसको डिसकनेक्ट कर लूँ पहले, ओके ओके। अब यहाँ पे जो है ना इसको 40 भी कर लूँ, अगर डिस्कनेक्ट नहीं भी करूँ तब देखता हूँ एक बार। मान लो डिस्कनेक्ट नहीं किया, इसको मैंने 40 करता हूँ, ठीक है ना। अब देखो अपने बैठ गया, क्योंकि करने का जरूरत नहीं भाई उतना काम, जो हमारे पास ऑप्शन है तो उसको क्यों ना यूज करूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दूसरा सेक्शन एक लूँगा, क्योंकि सेक्शन मैंने मुझे यहाँ पे घुमाना पड़ेगा जो मैकेनिकल है ना, इसको मैं यहाँ पे रोटेट कर लूँ, और यहाँ पे इसको रख के जो मैकेनिकल टी है इसको रोटेट कर लूँ, प्लेस करके यहाँ से इसको 90 ओके। अब यहाँ से इसको ड्रैग करके छोड़ दूँ, ठीक है। अब ये जो मेरा प्रॉपर कनेक्शन हो गया, अब मैं अगर टैप दबाऊँगा ना, देखो कितना स्पीडर कनेक्ट है अभी फिल्टर में। चलो अभी स्पीडर है 12, 12 मीन्स कितना होना चाहिए, मैं टेबल में देखो तो 12 मीन्स 65 में आ जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी तक मेरे पास 20 का कैपेसिटी है, तो मैं 20 तक इसको चल सकता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पे 12 और यहाँ पे यहाँ तक भी आ सकता हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे एक एसएल करके इसको छोड़ा दूंगा, ठीक है ना, ओके डन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो पाइप है ना इसको यहाँ तक रख लूँ, ओके। अब ये जो रिड्यूसर है ना इसको भी थोड़ा टाइम के लिए डिलीट कर दो, नहीं तो इसको यहाँ से ऐसा इसको पहले कॉन्वर्ट कर लो। तो ये वाला रिड्यूसर को मैं सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे चेंज कर लूँ ये वाला जो अभी कॉन्वर्ट हो गया है। अब मैं चाहूँ तो इसको डिसकनेक्ट कर दूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ देख लो, अभी यहाँ पर इसको टैब दबा के सिलेक्ट कर लो, फिर टैगिंग को सिलेक्ट कर लो, और टैगिंग। अब मुझे पता है ये जो दो ब्रांच है दोनों में ही सेम कनेक्शन होगा, ठीक है ना। अब मैं इसीलिए क्या करूँगा, कॉपी टू कॉपी कर दूँगा, कोई टेंशन नहीं लूँगा, यहाँ से कॉपी हो गया है। अब मैं गो टू व्यू में जाऊँगा, यहाँ पे ट्रिम कर दूँगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक डन हो गया है, ओके। थोड़ा कनेक्ट होने में टाइम लगेगा, अभी यहाँ से जो ट्रांजिशन है इसको यहाँ तक खींच दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने कनेक्शन कर दिया है। अब मैं अगर मैं ग्राउंड फ्लोर में जाऊँगा और यहाँ पे मैंने टैब दबाऊँगा, तो देखो टैब में कितना स्पिंडर आया, ठीक है ना। तो अभी स्पिंडर है 20, और मेरे पास कैपेसिटी कितना है, मेरे पास कैपेसिटी हाँ 65 में 20 तक है, ठीक है ना। अभी 80 में 40 तक कैपेसिटी है, ठीक है ना, 40 मीन्स बहुत है। अभी सेम वजह से यहाँ तक मेरे पास 80 का कैपेसिटी है, अब यहाँ पे 80 देख रहा है ना, हाँ 80 80 यहाँ तक होना चाहिए,
अभी 4-5 मिनट्स यहाँ तक होना चाहिए। तो खान सर के हिसाब से अलग है, लेकिन मैं खान सर को फॉलो नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास जो हैजर्ड का टेबल है उसके हिसाब से चलूँगा। अभी बाकी तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो क्या चाहते हैं। कोई कोई बोलता है क्लाइंट मुझे 100 का कोई पाइप नहीं चाहिए, तो उस केस में जो 100 का पाइप लिमिट करना पड़ता है। कोई कोई बोलता है 65 का पाइप भी नहीं चाहिए, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है जो सर्टेन एरिया में कंट्री में, तो एक स्पेशल केस होता है। तो उस केस में प्रोजेक्ट वाइज जो है ना वेरी करता है कौन सा साइज मार्केट में अवेलेबल है, कौन सा साइज को हमें प्रोजेक्ट में यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी हालांकि ये तो मैंने कंसर्न कर लिया, अब मैं क्या हुआ 80 का पाइप, ठीक है ना। अभी मैंने 80 देख लिया, इसको कंफर्म कर लिया है, ये भी 80 है, ओके परफेक्ट। अब मैं इसको गो टू व्यू करके सेक्शन में जाऊंगा। पहले ये जो कनेक्शन है ना मैं काम करूंगा इसको, पहले इसको मैं क्या करूंगा क्या करूंगा, यहाँ पर पहले डिसकनेक्ट कर दूं, ठीक है, पहले डिसकनेक्ट कर दूं। हालांकि डिस्कनेक्ट ना करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो उसके इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कंट्रोल करता हूँ, ठीक है ना। ऐसा भी फिर दोबारा कनेक्ट करने का आपको फिर हेडेक लेना पड़ेगा। मैं डिस्कनेक्ट नहीं करता हूँ, मैं क्या करूँगा पूरा सिलेक्ट कर लूँगा। कैसे सिलेक्ट करता हूँ देखता हूँ, पहले ग्राउंड फ्लोर में जाऊँगा, ऐसे पूरा सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर गो टू पी में चले जाओगे, फिर PBS, अब तो पता नहीं चलेगा क्योंकि कलर सेम है, चाहे तो इसको कलर सिलेक्शन कलर भी चेंज कर लो, ठीक है ना, थोड़ा टाइम के लिए। और ग्राफिक्स में यहाँ पे सिलेक्शन कलर में ब्लू कर दो, ठीक है ना, तो आपको आसानी से पता चलेगा अभी ब्लू है। अभी एक इतना पोर्शन से अभी सिलेक्ट है, अभी इसका टैगिंग भी मैंने प्रॉपर सिलेक्ट किया है, अभी मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मुझे पता है ये सारे सेम है, लेकिन मैं एक को पहले कॉपी करूँगा क्योंकि इसका टी मैकेनिकल टी भी चेंज होगा, तो इसीलिए मैं पूरा जगह ना कॉपी करके पहले एक को मैं एडजस्ट करूँगा, उसके बाद बाकी में, ठीक है ना। अभी इसको 80 कर लूँगा, जैसे 80 कर दूंगा ऐसे बन जाएगा। अभी यहाँ पे स्प्लिट करूँगा, स्प्लिट करने के बाद इसको डिलीट कर, ओश स्प्लिट करने के बाद कंट्रोल जेड, इसको डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट करोगे तो अपने आप वो पाइप टूट जाएगा। इसको यहाँ पे छोड़वा के यहाँ पे जोड़ के देखो होता है कि नहीं होता है, हो नहीं पा रहा, तो इसीलिए क्या करूँगा इसको स्प्लिट करके यहाँ तक इसको रख दो, सीधा यहाँ पर नहीं छोड़ो। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक DL करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके छोड़ दूंगा और फिर इसको अलाइन कर लूँगा, ठीक है ना। ओह क्यों नहीं जुड़ा, चलो ठीक है, इसको भी ड्रैग करके यहाँ पे जोड़ूंगा, देखता हूँ। ट्रैप में ए जुड़ गया है लेकिन ए वाला नहीं जुड़ा, अब इसको थोड़ा फोर्स करके जोड़ता हूँ, अभी शायद ये हो जाएगा, हो गया, यहाँ पे जुड़ गया है। इसको अलाइन कर लूँ क्योंकि इसी लोकेशन में था, इसको लाइन को डिलीट, फिर टैब दबा के देखो प्रॉपर कनेक्टेड है। अब मैं क्या करूँगा 80 मेरा यहाँ तक होगा, तो इसलिए क्या करूँगा स्प्लिट करके ये जो पाइप है इसको मैं प्रॉपर यहाँ तक ले आ जाऊँ, कोई दोबारा ना करना पड़े। यहाँ पे भी रिड्यूसर को चेंज कर लूँ। अब मैं यहाँ पे जो छोटा सा यूनियन स्प्लिट कर दूँ, ओके। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे भी इसको चेंज कर लूँ क्योंकि ये भी पेट्रोलिक में आ जाएगा ना, क्योंकि 65 से ऊपर तक जितना पाइप होगा वहाँ पे पेट्रोलिक फिटिंग होगा, ठीक है ना। अब A80 का है तो मैं अभी इसलिए प्रॉपर सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये ट्रांजिशन है इसको मैं अनसेलेक्ट करूँगा और मैं अभी प्रॉपर सिलेक्ट कर, ठीक है ना, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। अब मुझे पता है ये जो यहाँ से यहाँ तक कितना साइज है 80 का, तो ये जो 5 जगह है ना ये मैंने पूरा कॉपी करना है, ठीक है ना। 3 4 कितना हो गया यहाँ से 5, ठीक है, 5 5 हो गया। अब और कुछ नहीं, आप यहाँ पे ट्रिम करना है, सिंपल सा ट्रिम 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 ट्रिम, लेकिन यहाँ पे ट्रिम हाफ ट्रिम कर दूँ, बाद में देखा जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो 80 है तो मैं ग्राउंड में जाऊँगा, यहाँ पे मैं अगर टैब दबाऊँगा, देखो टैब टैब, अभी अगर प्रॉपर इसको पूरा सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर में देखो स्प्रिंकलर कितना है 40 है, तो 40 के लिए मेरे पास कितना है 80 है, तो अभी मैंने प्रॉपर जा रहा हूँ तो वो सही है। अभी 80 के बाद जो है ना 100 100 मीन्स
100 में 100 स्प्लिटर ले सकता है, तो ये अच्छा है। तो 100 मीन्स मैंने आज अभी तक तो 40 कर लिया है। 40 में कितना ब्रांच आया है? 1 2 3 4 5 5 5 10 10, ठीक है ना। 10 में से अच्छा 40 पिलर मैंने लगाया है, तो 40 पिलर लगाया अभी तक कितना ले लेगा यहाँ पर, कितना है? ओके, अभी तक 40 पिलर मैंने लगा दिया है, कितना ब्रांचेस है? 10 ब्रांचेस है, 10 में से चार चार करके 40 हो गया। अभी अगर मान लो और 10 ले लूँगा तो 80, फिर 10 80, और अभी मीन्स 10 12 12 में लूँगा तो 48 हो जाएगा, ठीक ना। तो 48, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक, ठीक है। तो यहाँ तक मैं अगर देख लूँ, यहाँ तक 4 इंच का पाइप ले लेगा, ठीक है। 4 इंच का मीन्स यहाँ पे ये काफ़ी है, तो इतना नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, पूरा निकाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि 4 इंच बोले तो, क्योंकि मैं देख लिया है, अगर मेरा ऑर्डिनरी हैजर्ड वाला जो टेबल है उसके हिसाब से यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। कितना है? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 मीन्स यहाँ तक, और भी यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा जो साइज होगा 4 इंच, 4 इंच बोले तो 100 है, 100 का मीन्स मैंने देख लिया है, 100 में से 100 का पाइप के लिए 100 जो स्पिंगलर है वो ले सकता है, तो बहुत अच्छा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, सेम वाइज से इसको ट्रांजिशन इसको चेंज कर लूँगा, बाकी बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे एक को कॉपी करूँगा, ठीक ना, एक स्पिंगलर को सेटिंग को कॉपी करके यहाँ पे पहले रख दूंगा। डन हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर मैकेनिकल टी तो आना चाहिए, ऑब्वियसली आ गया है। इसको मैं 100 करूँगा, ठीक है ना। 100 करने के बाद देखूँगा, परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पे इसे करूँगा, यहाँ पे वही सिचुएशन आना चाहिए, अवश्य वही, ठीक है। इसल करने के बाद मुझे पाइप को स्ट्रेच करके अलग जगह में ले आना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ तक ले आ जाऊँ, पहले उसको नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पे इसको डिलीट कर दूँ। डिलीट करने के बाद फिर यहाँ पे लाइन बना दूँ, फिर ये जो पॉइंट है ना, हालांकि इसको भी यहाँ पे जोड़ दूँ, देखता हूँ होता कि नहीं होता है। हो गया है, इसको भी जोड़ दूँ, देखता हूँ शायद हो जाए, कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना। और अगर प्रॉपर सेटिंग होगा तो ये परफेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। ओके, ये डन हो गया। अब मैं को पता चल गया, 40 जो 100 का पाइप है ना यहाँ तक है, तो मैं यहाँ पे स्प्लिट करके पहले यहाँ तक ले लूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको छोटा कर दूँ। अब मुझे पता चल गया है ये जो है पूरा पाइप साइज 100 का है, मैं इसे लेकर करूँ पूरा सिलेक्ट कर लूँगा और ट्रांजिशन को अनसेलेक्ट करूँगा, कॉपी कर लूँगा, ऑब्वियसली सब जगह कॉपी कर लूँगा क्योंकि मुझे पता है सब जगह सेम होगा। 1 2 3 4 4 5 6 ओके 7 8 9 10 ओके, शायद मैंने 12 कर लिया, गिनती में कहीं गड़बड़ हो गया ना, ठीक है। देखता हूँ अभी इसको गोटू भी करूँगा, फिर ट्रिम करूँगा। ओके, काफ़ी है, तो ये मेरा हो गया ट्रिम। अब मैं यहाँ पे इसको जोड़ के भी देख सकता हूँ, जुड़ जाएगा, तो ये मेरा कनेक्शन हो गया। अब मुझे पता है 100 में से 100 स्प्लिटर रहता है, ठीक है ना। मैं टैब दबा के देखूँ, ओके, पूरा टैब में पकड़ लिया है, फिल्टर में जाऊँगा और 88 है। अभी भी बहुत सारा ले लेगा, क्योंकि अभी भी कितना मेरा ले लेगा,
अगर अभी भी अगर दो ब्रांच ऐड होगा तो 3 4 12 है, तो 12 स्कूल ही बचा हुआ है, अभी भी 12 ले लेगा, मतलब 3 ब्रांच अभी भी ले लेगा। तो ओके 100 तक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्प्लिट कर लो, यहाँ तक 3 ब्रांच ले लेगा ना, देखता हूँ, क्योंकि मैं हर बार टैब दबा के चेक करूँगा कितना हो रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में आपको फायदा भी हो जाएगा। और ई फाइव भी ले लूँ, लेकिन यहाँ पे स्प्लिट कर दूँ, यहाँ पे भी स्प्लिट कर दूँ, डिलीट कर दूँ, क्योंकि अभी भी 3 जगह करना होगा ना, कॉपी कर लूँ। ये वाला सेंटर पॉइंट, ये वाली और ये वाली, ठीक है ना। अब देखता हूँ, इसको मैं जोड़ दूंगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और ये जो पाइप है इसको मैं देख लूँ। ओके, अब मैं ग्राउंड में जाऊंगा, देखता हूँ कितना स्पिनर हो गया, 100 तक है मेरा कैपेसिटी। ओके ओके ओके, पूरा टैब में पूरा पकड़ लिया, यहाँ तक यहाँ तक। ओके, अब फिल्टर में जाऊंगा, 100 है, ठीक है ना, अब तो परफेक्ट हो गया, 100 पाइप साइज के लिए 100 स्प्रिंगलर काउंटिंग में आ गया है। अभी जो 100 के बाद मेरे पास जो टेबल है वो है 150, ठीक है ना, 150 मीन्स 6 इंच, ठीक है। अब मैं 6 इंच कितना लूँगा, 125 लिया है, 125 मैंने ले लिया, 125, 125 का लेकिन ऑर्डिनरी हजार में है ही नहीं, ठीक है ना, तो मैं बच गया है, तो 100 के बाद 150 में मेरा पाइप जाएगा, 125 यहाँ पे भी नहीं था, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास यहाँ पे लिमिट में था, वो हो सकता है मैं उसको मुझे यूज नहीं करना है, तो सही है। अभी 100 के बाद मेरे को कौन सा लेना है, 6 इंच का 1300 का पाइप लेना है, तो इसको अभी भूल जाओ, इसको डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो। अभी ये जो पाइप है इसको मैं स्टिच करके यहाँ तक ले आ जाऊँ, अभी ये जो फिटिंग है इसको मैं प्रॉपरली इसको सिलेक्ट करूँ, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अभी 150 का हो गया है, ठीक है, इसको ड्रॉप पाइप कर दो। ओके ठीक है, यहाँ तक ले लो, यहाँ से यहाँ तक ले लो। अब मुझे सिर्फ एक ही स्प्रिंगलर चाहिए, यहाँ पे कॉपी कर लूँ, कॉपी इसका सेंटर सेंटर। ओके, अब मैं गो टू व्यू कर लूँ, अब यहाँ पे इसको 150 कर लूँ, सीधा 150, परफेक्टली हो गया। अभी इसको स्प्लिट, इसको भी स्प्लिट, ओके, इसको यहाँ पे जोड़ दूँ, ओके हो जाएगा, यहाँ पे भी इसको ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दूँ, हो जाएगा। और ये जो रिड्यूसर है जितना से जितना हो सकता है करीब रखूँ, क्योंकि जितना छोटा रखूँगा तो इतना मेरा मटेरियल बचेगा, इसका कॉस्ट भी बचेगा प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। यहाँ पे अभी तक मैंने फाइल को सेव नहीं किया, पहले फाइल को सेव कर लूँ लोकेशन में, ठीक है ना। यहाँ पे फायर फाइटिंग, FIGHT फायर फाइटिंग और खान सर, ठीक है, अभी मैं इसको सेव कर लूँ, अभी ये प्रोजेक्ट में सेव हो रहा है। अभी मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे मैंने पूरा मॉडल कर लिया है, अभी इतना तक तो हो गया, अब मैं क्या करूँगा, CS दबा के इसका भी कर लूँ, इसको लीडर को बंद कर दूँ, यहाँ पे ठीक है ना, तो हर जगह में आपको पाइप साइज देना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड हो गया है। ओके, सी एस दबा के यहाँ पे भी कर लो, 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 यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो हालांकि इसको टैग आउट करके भी कर सकते हो, लेकिन
लेकिन फिलहाल मैं इसको रिस्क में नहीं लूंगा, तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा ऐसे भी करोगे तो। ये तो कुछ ही जगह है, अगर सब बहुत ज़्यादा जगह होता तो मैं सोचता करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है ना। अभी फिलहाल ऐसे ही मैं करके छोड़ दूंगा क्योंकि ज़्यादा नहीं है और चार पांच बचा हुआ है, यहाँ पे कर दूंगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी खानसर जाने है, उसका काम जाने है, क्योंकि खानसर का तो ये लोग अभी सीखना है खानसर को। चलो ठीक है, अभी बॉटम ऑफ पाइप भी कर सकता हूँ सेम वे से। हालांकि बॉटम ऑफ पाइप में ज़्यादा जगह नहीं दूंगा, सीएस करके भी यहाँ पे भी दे सकते हो एक, ठीक है। हालांकि फिर इसको आपको मूव करना पड़ेगा, फिर इसको सीएस करके यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं। अगर यहाँ पे रखोगे ना तो ऐसे कर दो तो देखने में अच्छा होगा, ठीक है ना। ये बॉटम ऊपर 100 का एक हो गया है, अभी 100 में जो जरूरत नहीं है, तो थोड़ा इसको ऊपर करके ना टीजी करके यहाँ पे एक बॉटम में पाइप डाल दो, तो इसमें भी एक हो गया। अभी 65 में भी एक डाल दो टीजी करके, यहाँ पे एक डाल दो बॉटम पाइप। तो अभी 50 में भी एक डालना पड़ेगा आपको टीजी करके यहाँ से एक, 40 में भी डालना पड़ेगा टीजी करके यहाँ से एक, ठीक है। तो सब जगह मैं कर लिया, अब मैं क्या करना है मुझे, और जो आपका डिपेंडेंट स्पिनर का जो कनेक्शन है वो करना होगा, मैं इसको पहले सेव कर लूँ, उसके बाद सान खान सर का जो है ना जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मान लो ये जो ब्रांचेस है ना, मान लो कहीं पे ऐसा सिचुएशन हो सकता है जो आपका डिपेंडेंट दोनों ही लगेगा, ठीक है ना। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, ठीक है ना, इसको कॉपी कर लूँ। मान लो कहीं बाहर में इसको रखता हूँ, ठीक है, बाहर में। अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, चाहे तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट कर दो। डिलीट करने से पहले एक लाइन बना दो, सेम टू सेम आपको अगर करना है तो ये लाइन बना सकते हो। अगर मान लो इस केस में तो सीलिंग नहीं है, अगर कोई कोई ऐसा केस हो सकता है जहाँ पे स्प्रिंगलर अपराइट पिनर दोनों लगेगा, जहाँ पे स्प्रिंगलर मैंने आपको पहले बोला था जो सीलिंग बॉटम ऑफ टॉप ऑफ सीलिंग और स्लैब की जो बॉटम है दोनों के जिस बीच में जो स्पेस है 900 से ज़्यादा होगा, तो उस केस में आपको दोनों स्प्रिंगलर एक साथ लगाना पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे भी डिलीट ना करके भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, सी एस दबा के यहाँ पे इसको पेंडेंट भी मेरे पास होगा, पेंडेंट पेंडेंट ओके, इसको भी यहाँ पे रख लूँ, ठीक है ना। हालांकि मैं इसको यहाँ पे भी रख सकता हूँ ना, यहाँ पे मुझे अभी अपराइट की जगह पेंडेंट रखना पड़ेगा, ऐसे मैं दिखा हूँ। हाँ, यहाँ पे इसको यहाँ पर रख लूँ, ओके। पहले एक कनेक्शन करूँ उसके बाद सब जगह कर लूँगा, फोटो व्यू करके मेरा पेंडेंट कहाँ कनेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे होगा। अभी मैं कैड में जाऊंगा, कैड में जाने के बाद यहाँ पे देखो मेरा जो डिटेल कनेक्शन है यहाँ पे, अगर देखो अपराइट पहले सीधा उठ गया है, फिर उसके साइड से एक पेंडेंट का जो ब्रांचेस निकल के आ गया, ठीक है ना। तो अपराइट सीधा आ गया है, लेकिन उस केस में आपको ज़्यादा जगह देना पड़ेगा, इसको नीचे कर लो जितना से जितना हो सकते हैं, क्योंकि आपको जगह देना पड़ेगा ना। तो ऐसा आप करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले इसको यहाँ पे अलाइन कर लूँगा, ठीक है। फिर क्या करूँगा, सीधा यहाँ पे इस केस में तो होना चाहिए सही है, लेकिन इस केस में तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, तो इस केस में क्या करोगे। तो यहाँ पे आपको पेंडेंट रखना पड़ेगा और अपराइट को आपको उधर हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपराइट अपनी जगह से हट जाएगा और पेंडेंट जो अपराइट के जगह में आ जाएगा, ठीक है, देख लो। क्योंकि जो आपका प्लान में होगा तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे खान सर जो दिखाया है ये यहाँ पे सिर्फ अपराइट बोल के अपराइट दिखा दिया, ठीक है। अगर ऐसा भी केस हो सकता है जहाँ पे अपराइट पेंडेंट दोनों होगा, तब क्या होगा ना, उसमें सिंबल क्या होगा, इसका जो बीच में जो पोर्शन खाली देगा ना उसको आप भर दो, तो उसमें सॉलिड दिखेगा और बाहर का जो पोर्शन है ना वो ऐसे दिखेगा। मैं करके दिखाऊं,
मान लो हैच, ठीक है, अब मान लो हैच में इसको एक्सप्लोर कर दूँ। ओके, एक सर्किल बचा हुआ है कि एक्सप्लोर, अभी मान लो हैच करना है, पहले इसको सिलेक्ट कर लूँ। अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे सॉलिड कर दूँ। अब देखो यहाँ पर दो सिंबल, यहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे मंदिर मिडिल वाला जो गोल है इसको मैं भर दिया, इसको मैं खाली है। अगर खाली होगा तो समझ लेना वहाँ पे सिर्फ अपराइट स्पिंगलर है। अगर मिडिल में भर दिया है और साइड में ऐसे साइड साइड में निकला हुआ है तो उस केस में क्या होगा, वो दोनों स्पिंगलर है। अगर मान लो इस स्पिंगलर को कॉपी कर लूँ, कॉपी सी यू, कॉपी कॉपी करके, ऐसा भी होता है जैसे कि मान लो जो साइड का जो चीज़ें है, क्या होता है नॉर्मली मैं बताता हूँ, डिलीट कर दूँ। नॉर्मली अगर ये सिंबल होगा, ये समझ लेना ये सिर्फ पेंडेंट है, तो ऐसा सिंबल भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। नॉर्मली ऐसा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा पेंडेंट, एक हो गया है अपराइट और ए है दोनों को मिला के, ठीक है ना। तो ये है, तो आप ऐसे दिखा सकते हो। तो इस केस में क्या होगा ना, जो कैड में आप दिखाओगे, कैड में आप नहीं दिखाओगे, जो मेरे पास डिटेल जो है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे कैड में जो दिख रहा है, यहाँ पे देखो अपराइट स्प्रिंकलर यहाँ पे है और पेंडेंट स्प्रिंकलर यहाँ पे। अगर प्लान में देखोगे ना, एक दूसरे से एक के ऊपर एक नहीं है, ठीक है ना, वही सेम सिचुएशन यहाँ पे है। देखो यहाँ पे जैसे दिख के लग रहा है एक के ऊपर एक है, तो मतलब पेंडेंट यहाँ पे है तो अपराइट सीधा इसके ऊपर ही है, लेकिन डिटेल कनेक्शन के हिसाब से पेंडेंट यहाँ पे है तो अपराइट उधर है, तो दोनों अलग अलग जगह में है लेकिन यूज हो रहा है एक पॉइंट के हिसाब से। यहाँ पे जो स्प्रिंगलर है इसको मैं प्रॉपर कनेक्शन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे एक कॉपी कर लूँगा, कॉपी यहाँ पे इसको जोड़ दूंगा। ओके, अब यहाँ पे लूसर बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पेंडेंट को यहाँ पर रखता हूँ और अपराइट को मैं यहाँ पे थोड़ा मूव कर लूँ अंदर का तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ड्रॉ पाइप करके यहाँ पे इसको टर्निंग करके यहाँ पे एक ट्रिम लगा दूँ, तो ये सेम टू सेम मेरा जो डिटेल कनेक्शन है उसकी तरह हो गया है। सेम वैसे मुझे यहाँ पे भी एक पेंडल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक पेंडल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक पेंडेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन के ऊपर कहाँ पे आप रखना चाहते हो, लेकिन जो पॉइंट है ना सीलिंग में पेंडेंट का वो फिक्स होता है, तो आपको इसीलिए पेंडेंट को फिक्स रखना पड़ेगा और अपराइट को इधर उधर जो भी आपको आसान लगे वहाँ पे मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में कुछ अलग ही होगा, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना, और ये जो है ना इसको भी डिलीट कर दूंगा। और अभी इसको अभी तो डिलीट कर दूँ क्योंकि अभी मिरर होगा, ये दोनों पाइप कनेक्शन होने के बाद ही वो बनेगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है ना इसको पाइप को ही मूव कर दूँ, लेकिन स्प्रिंगलर को सही जगह रखूँ, ठीक है। अब मैं देख लिया यहाँ पे जो मेरा अपराइट कौन सा है, ये वाली, और पेंडेंट ये वाली है, तो पेंडेंट को सही जगह रखना पड़ेगा और अपराइट को आपको मूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे रोटेट करना पड़ेगा, प्लेस SC, यहाँ से आपको 90 करना पड़ेगा। ओके ओके, फिर गो ड्रॉ बैक कर लो, फिर यहाँ से यहाँ तक कर लो, फिर रोटेट करो, देखता हूँ सिचुएशन क्या बन रहा है यहाँ पर, फिर कॉपी टू कॉपी होगा, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। अभी मैं ऐसा कर लूँ, ऐसा कर सकता हूँ, हालांकि इसके ऊपर भी आप राइट रख के भी सीधा यहाँ से भी ब्रांच निकाल सकता हूँ, लेकिन दोनों ऑप्शन ही सही है, ऐसा कर सकता हूँ। हालांकि देखो यहाँ पे जो डिले कनेक्शन दिखाया है, यहाँ पे देखो ब्रांच है, ब्रांच है, ब्रांच से आप हुआ है, अभी मैं साइड बाय साइड कर लूँ। ओके ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो ब्रांच आया है, फिर आप हुआ है, यहाँ पे आप हुआ है, फिर यहाँ पे आया, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हो, इसको ये जो पाइप है ना इसको सीधा यहाँ पे आके फिर यहाँ पे भी टर्निंग कर सकता हूँ, हालांकि इसके ड्रिल के हिसाब से मैच नहीं होगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पाइप लगेगा, लेकिन आप इसके हिसाब से कर लो। मैं यहाँ पे सेकंड केस में भी वही करूँगा जो यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ पे अपराइट तो नहीं है, पेंडेंट नहीं है,
इसीलिए मैं क्या करूँगा, पहले मेरा जो पेंडेंट का लोकेशन है ना वो तो सेम जगह रहेगा, इसको भी डिलीट कर दो ठीक है ना। अभी मुझे पूरा डीटो कॉपी होगा, मेरा लाइन तो फिक्स्ड है, कॉपी कर लूँ कॉपी, फिर यहाँ से यहाँ तक कर लो, फिर यहाँ पे गो टू व्यू कर लो, फिर इसको रोटेट कर लो ओके, और यहाँ पे 90 करके यहाँ पे रख लो, यहाँ पे जोड़ दो इसको ओके, देन यहाँ पे ड्रॉ पाइप करके फिर इसको कनेक्ट कर दो, ये आपका प्रॉपर कनेक्शन हो गया है। सेम ओ एस से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेम कनेक्शन को मैं दूसरे जगह मिरर कर दूंगा ठीक है ना, ये ट्रांजेक्शन आपका ऑलरेडी है तो मिरर कर दूंगा, तो सेम कॉपी रहेगा, यहाँ से यहाँ तक कर लो और यहाँ से ट्रांजेक्शन को पकड़ के यहाँ तक स्ट्रेच कर लो। तो ये वाला कनेक्शन देखने में कैसे होगा, 3D में बताऊँ ओके, 3D लेट्स चेक द 3D। 3D में मेरे को भीवी में लिंक वाला नहीं चाहिए, बंद कर दूँ ओके। अब मैं दिखाऊंगा ओके, इसको फाइन मोड, इसको सेट मोड। अब देखो यहाँ से पाइप देखो ऐसे आ रहा है, वो ये पाइप कॉपी नहीं हुआ, देखा कैसे गड़बड़ हो गया है ना, तो ऐसा होता है कॉपी में, क्योंकि अगर हिडन मोड में कहीं एक दूसरे के ऊपर छुप गया है तो उस केस में आपको ना 3D से सिलेक्शन करना बेहतर है, तो उसमें आपको गलती होने का चांसेस नहीं बनेगा ठीक है ना। इसको ड्रॉ पाइप कर लो, टैब दबा के जोड़ दो ओके ओके, फिर गो टू व्यू कर लो, फिर यहाँ पे ड्रॉ पाइप करके ओके जोड़ दो ठीक है। तो 3D में जाऊँ ओके, अब देखो यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन हुआ ना, यहाँ पे ये अपराइट पिन है दोनों यहाँ पे है, और यहाँ पे सेल्फ अपराइट है, और पेंडेंट भी ऐसे में उसे कर सकते हो। तो पेंडेंट में क्या होगा ना, ये आपका जो डिजिटल कनेक्शन है ये वाली फॉलो होगा, आप होके फिर यहाँ पर डाउन होगा, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। अब मैं फाइल को थोड़ा सेव कर लूँ ओके, सेव कर लूँ। अभी इस केस में भी देखो यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है प्रॉपरली, ये अपराइट कनेक्शन है, ये अपराइट स्पिंडर है ठीक है, यहाँ से ये जो दोनों मिलके यहाँ पे कनेक्शन हो गया है ओके, फिर यहाँ पे कनेक्शन हुआ है। चाहे तो इसका जो सेक्शन में जाके आप मान लो पाइप का एलिवेशन आपको पसंद नहीं है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो, मान लो यहाँ पे जाऊँगा यहाँ पे, तो ये प्रॉपरली कनेक्टेड है ना, तो इसीलिए आप जो भी चाहो आपके हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे कि मान लो दोनों के बीच में जगह कम करना है ठीक है ना, तो इसको ऊपर कर लो थोड़ा, ये पाइप ऊपर चला जाएगा पूरा, सब जगह ऊपर हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर कनेक्टेड है ना। ऐसे जितना मर्जी आपको चाहिए तो कर लो ठीक है ओके। तो ये मेरा सब जगह अपडेट हो गया है ठीक है, अब मैं तू बड़ा धीरे दिखाऊँ, बस कोई भी चेंज नहीं है, ये मेरा प्रॉपर कनेक्शन हो गया है। अब यहाँ पे जो पंप कनेक्शन है कैसे यहाँ पे आना है वो तो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे पंप रहेगा, जो भी कनेक्शन अभी उम्मीद करता हूँ खान सर को ये पता चल गया है कैसे इसका डिजिटल कनेक्शन करना होता है, और जो स्पायर पाइप का जो स्प्रिंकलर कैसे कनेक्ट करना होता है, इसको मैं पहले सेव कर लूँ ओके। अभी यहाँ पे जो बचा हुआ है जो साइड वॉल और पेंडेंट का, वो मैंने आपको डिटेल दिखा दिया, उसके हिसाब से आप इसको मॉडल कर सकते हो, और उसका जो फैमिली है यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है ना, मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो प्रोजेक्ट का फाइल है ये मिल जाएगा, ये प्रोजेक्ट तो नहीं है ये एक्सपेरिमेंट है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।